हेलो एवरीवन, मैं हूं राज चौहान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड को कैसे आप जो है डिसेबल कर सकते हैं, कैसे आप उसे ऑफ कर सकते हैं। जो आपको फेसबुक में लॉगिन कोड आपको देखने को मिलता है, कैसे आप उसे बंद कर सकते हैं, तो आपको बता दूं कि इसका एडवांटेज क्या है। बिना आपके लॉगिन कोड के कोई भी आपकी आईडी को लॉगिन नहीं कर सकता है, चाहे आपकी जो आईडी है, आपका पासवर्ड है किसी के पास हो, उसे लॉगिन करने का अगर वो ट्राई करेगा तो जब तक उसके पास आपका लॉगिन कोड नहीं है वो जो है लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो यही इसका एडवांटेज है। और यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जो अपने नंबर आपने रजिस्टर किया होता है उसमें लॉगिन कोड नहीं आता है तो आप जो है अपनी आईडी में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके पास आपकी आईडी हो या पासवर्ड हो। आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का होता क्या है कि या तो नंबर खो जाता है या फिर जो है बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लॉगिन कोड नहीं आ पाता है और आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो उस वजह से अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो कैसे आप इसे बंद कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, छोटी सी वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेसबुक में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर लॉगिन कोड को अगर आप बंद करना चाहते हैं, अगर आप बिना लॉगिन कोड के आप जो अपने फेसबुक को एक्सेस करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं, तो कैसे आप इसे बंद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फेसबुक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर राइट साइड में सबसे टॉप पर आपको 3 लाइन ऑप्शन मिलते हैं, तो सिंपली से उस पर टैप कर दीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी एक ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कीजिए। अब आपको सेटिंग एक ऑप्शन मिलेगा, तो सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी एंड लॉगिन एक ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। तो अगर आपके मोबाइल में ये ऑन है तो आपको यहाँ पर टर्न ऑफ का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको दो ऑप्शन शो होते हैं सबसे नीचे, आपको टर्न ऑफ और कैंसिल, तो आपको टर्न ऑफ पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये आपका आईडी पासवर्ड पूछ सकता है, तो आप इस पर फिलअप कर सकते हैं, लेकिन मेरे से इसने नहीं पूछा है तो डायरेक्टली ये ऑफ हो गया है। तो इस तरीके से आप फेसबुक में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड है जो लॉगिन कोड है उसे आप ऑफ कर सकते हैं, बिना लॉगिन कोड के आप जो है कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट को। तो आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको फेसबुक से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, आपको लिंक और यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।